आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है दुनिया खत्म हो जाएगा, इसकी वास्तव प्रमाण क्या है। तो देखते हैं, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसलिए देखते हैं पहले पंडित जी क्या इसके बारे में रिप्लाई दे रहे हैं, उसका डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई देखेंगे। सो बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। प्रश्न है गुरुदेव जी कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने में आंख बंद करके कुछ भी मांगना चाहिए कि आंख खुली रखना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं आंख खुली रखो, कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान करके आप कुछ नहीं। तो मांगना क्यों है, क्यों भिखारी मतलब बन के जाना है? मांगना मतलब कुछ भी, क्षमा याचना, कुछ भी बोलना है। तो भगवान को देखने गए हो कि आंख मूंदने गए हो? वही पूछना है। देखने गए हो ना आप, वृंदावन आओगे तो बिहारी जी को देखने ही तो आओगे, तो जी भर के देखो ना, जितनी देर सामने हो बस आंखें फाड़ फाड़ कर, कुछ दुख दर्द कुछ बस आंखें खोल कर केवल उनको देखो जी भर के, और ऐसे देखो कि वो मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आकर बस जाएं। और फिर मांगना क्या है, भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, वो अंतर्यामी है, उन्हें सब जान, वो सब जानते। सुदामा ने कुछ मांगा था क्या? बिना मांगे सब दिया कि नहीं? तो तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? भिख मंगे बन के मत जाना भगवान के दरबार पे, कुछ मांगने के लिए तो मत जाना। सुदामा कुछ मांगने कभी नहीं गए, ठीक है। आप भी सुदामा, गरीबी आएगी तो आएगी, हम नमक रोटी खा लेंगे, पर भगवान के द्वार पर भी मांगने नहीं जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। जी जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये दुनिया कभी नष्ट हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे समझ सकता हूँ अपने जीवन में? पहले भी कई बार यह नष्ट हो चुकी है, आगे भी कई बार यह नष्ट होगी। जब ये दुनिया नष्ट होने की स्थिति में आती है तब भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, और मत्स्य अवतार लेकर के पृथ्वी की कुछ चीजों को बचाए रहते हैं, वेदों को, कुछ चीजों को। बाकी पृथ्वी में पानी जब प्रलय होता है तो सूर्य और चांद तक पानी पहुंच जाता है, पानी पानी हो जाती है, पूरी डूब जाती है, फिर भगवान एक नई सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय, इसको बोलते हैं प्रलय, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है, ठीक है गुरु जी। ये तो क्रम है, जैसे किसान खेत में बीज बोया, अंकुरित हुई, गेहूं हुई, पक गई, फिर कट गई, फिर किसान ने खेत की जुताई कर दी, फिर वो, ऐसे ही है ये संसार। खेत में पानी पानी भर देता है कि नहीं किसान? ऐसी पृथ्वी में पानी पानी, ये सब ईश्वर की खेती है, ठीक है, ईश्वर भी एक किसान है। इस ईसाई ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब, आप क्या समझते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसे क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली का नाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में सैलाब आ रहे हैं, दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, आप क्या समझते हैं ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, और क्या दुनिया के सारे मजाहिब मिलकर इसको रोक सकते हैं? और आपका बेटा फारिक नाइक अभी जवान है, क्या ऐसा हो सकता है कि नौजवानों की एक बड़ी तंजीम बनाई जाए और आपका बेटा उसकी सरबराही करे और वो इस क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे? इस ईसाई पादरी का ये सवाल आप भी सुन लीजिए, मगर उससे पहले ये जान लें कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। याद रखिए दोस्तों, अल्लाह की जानिब से बनाया गया एक निज़ाम है जिसके तहत ये दुनिया चल रही है, मगर हालिया दिनों में साइंसदानों ने महसूस किया है कि पूरी दुनिया के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम बदल कर रह गया है। जहां बारिशें कम होती थीं अब वहां ज्यादा होने लगी हैं, जहां बारिशें होती थीं वहां अब सैलाब आ रहे हैं, जहां बर्फबारी होती थी वहां पर पड़ी बर्फें पिघलने लगी हैं और उसकी वजह से भी सैलाब आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि इस ईसाई ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या जवाब दिया। दिलचस्प बात ये थी कि डॉक्टर जाकिर नायक भी इस ईसाई बुजुर्ग का सवाल सुन के मुस्कुरा रहे थे और पूरा हॉल भी तालियां बजा रहा था, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इस ईसाई ने आकर कोई तफरीक की बात नहीं की थी, बल्कि पूरी दुनिया के मुश्तरका मसले को, जिसका शिकार मुस्लिम ममालिक भी हैं,
गैर मुस्लिम भी हैं, उसे मिलकर हल करने की बात की थी और ये तक कहा था कि सारे मजाहिब एक हो जाएं, मिलकर इस मसले से लड़ें। इसीलिए इस पूरे हॉल का माहौल बहुत अच्छा हो गया। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस ईसाई बुजुर्ग के सवाल का जवाब देना शुरू किया और सवाल को बहुत मुख्तसर अल्फाज में दोहराने के बाद सवाल के आखिरी हिस्से पर आए कि अगर मेरा बेटा एक यूथ लीडर बन जाए और यूथ मूवमेंट, जवानों की एक तहरीक शुरू कर दे, वो तो अल्लाह ही जानता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन अभी तो माशाल्लाह वो दाई है और वो दावत तो तबलीग का काम कर रहा है, लेकिन वो दुनिया के कोई यंगेस्ट दाइयों में शामिल है। जहाँ तक मेरा इल्म है, मैंने इतना कम उम्र दावत व तबलीग के लिए दाई नहीं देखा है, लेकिन इस वक्त तो मेरा बेटा पूरी दुनिया में पीस यानी कि अमन का पैगाम फैला रहा है, मौसमियाती तब्दीली का पैगाम अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरा बेटा ये भी करेगा। और उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नायक मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पर बात करने लगे तो उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसे जानकर आपको खौफ आएगा और आप और मैं मौत की तैयारी में लग जाएंगे। What do the religions have to say about climate warming? Is there any reference? And whether my son can be a youth leader? That Allah subhanahu wa ta'ala knows best. He is a dai, young dai, mashallah. One of the youngest dai that I know of. May Allah subhanahu wa ta'ala guide him. Depends upon Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो मैं अपनी बात को यहां से शुरू करता हूं कि बहुत सी ऐसी अहादीस मौजूद हैं जो कयामत की निशानियों के बारे में बात करती हैं और एक हदीस के मुताबिक जब कयामत आने वाली होगी तो उससे एक दिन पहले की दुनिया कैसी दिखेगी, उसमें ये बताया गया है कि जो सहरा हैं जहाँ पर सिर्फ रेतले मैदान हैं, ना इंसान है, ना जानवर है, ना पौधे हैं, वो सहरा सर सब्जो शादाब खेत बनने लगेंगे, उन सहराओं में फसलें उगने लगेंगी, उन सहराओं में खुद ही खुद घास उग जाएगी। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं क्लाइमेट चेंज को कयामत की एक निशानी में से एक समझता हूँ। देखें कैसे ज्यादा बारिशें हो रही हैं और वो बारिशें सहराओं में भी होने लगी हैं। आज से पहले सऊदी अरब, दुबई, इन ममालिक में बारिशें होती ही नहीं थी और अब हम ये देखते हैं कि इन ममालिक में भी बारिशें हो रही हैं जो कि रेतले सहराओं पर मुश्तमिल हैं और यहाँ पर बारिशें होने से यकीनन उन सहराओं की जमीन आने वाले कुछ सालों में जरखेज होने लगेगी और यूं वो सरसब्ज और शादाब खेत बन जाएंगे, चरागाहें बन जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि चूंकि अहदीस बयान करती हैं कि दुनिया खत्म होने से पहले ये सब होगा और हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है, मौसम अचानक से बदल गया है और ये सब इंसान के काबू में भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज का नाम जिसे साइंस ने दे रखा है, दरअसल ये सब कयामत की निशानियां हैं और एक एक करके सभी निशानियां पूरी भी हो रही हैं और अब इस मौसमियाती तब्दीली के जरिए लोगों के सामने कयामत की एक और निशानी पूरी होने जा रही है। जी हाँ, और ये तो हम बहुत इंटरेस्टिंग रियली ऐसी ऐसी जो हदीस है हमारे नबी ने बताई है, जैसे कि पूरा हरियाली हो जाएगा सऊदी अरब पे, तो ये सब चीज़ें हो रही है और बहुत सारी जो माइनर जो निशानी है वो अभी पूरी हो गई है और जो बड़ी बड़ी निशानी है वो आना बाकी है। लेकिन इस बात में जो डॉक्टर जाकिर नायक सर ने इस वीडियो में बोला, बहुत ही अच्छी बात बोली कि यार देखोगे कि जहाँ पर बरसात नहीं होता था उस लेवल का, लेकिन अभी उस लेवल का बरसात हो रहा है, जैसे कि अरब कंट्री में नहीं होता था उतना ज़्यादा, तो अभी चालू हो गया है। और ऐसा होता है, ऐसा आंधी तूफान आते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि अचानक से मौसम वहाँ पे बरसात का रहता नहीं है लेकिन बरसात हो जाता है, तो ये एक कयामत की बहुत बड़ी निशानियों में से एक है। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो सबसे पहले क्वेश्चन था पंडित जी से कि वो लड़के ने बोला कि हमें आँख बंद करके प्रेयर करना चाहिए या आँख खोल के, तो पंडित जी का कहना था कि क्यों खोलोगे और बंद करोगे और आप क्यों मांगोगे अपने क्रिएटर से, चाहे आप किसी भी नाम लेकर उसको पुकारते हो, तो ये तो कितनी अजीब चीज़ है। अगर हम अपने क्रिएटर से कोई चीज़ नहीं मांगेंगे तो हम क्या इंसानों से मांगेंगे? नहीं, अपने क्रिएटर से ही हमें मांगना चाहिए, ये उनको बताना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़, जब लड़के ने क्वेश्चन किया कि कुछ प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए कि दुनिया आखिर में ख़त्म होगी, तब भी उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया उनको देना चाहिए धार्मिक किताबों के थ्रू। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने बोला, जो पादरी का क्वेश्चन था कि ये जो चीज़ें हो रही है क्लाइमेट चेंज, तो ये क्यों हो रही है, तो परफेक्ट था कि जो हमारे नबी ने प्रिडिक्शन की है कि कयामत के आने के टाइम पे ये सारी चीज़ें होंगी और वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।